पहले तो ओपनिंग कमेंट्स सर देखने जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, ऑब्वियसली डिमांड और प्रोडक्शन बाकी सारी सिचुएशन में थोड़ा सा असर आता हुआ दिखा है, प्राइजेस वगैरह को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं, तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है उसके बारे में पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे। कैसे बिजनेस को देख रहे हैं आप, जो भी ग्लोबल सिनेरियो है उसके सामने, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा शुरू करें सर। जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो हमारा क्वार्टर रहा है अप्रैल टू जून, ये हर लिहाज से हमारा सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है। पिछले अगर हम 11-12 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें, मतलब वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा रहे हैं, प्राइस भी सबसे ज्यादा रहे हैं, मार्जिन भी सबसे ज्यादा रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में, अभी जैसे प्राइस जो निरंतर बढ़ रहे थे क्वार्टर बाय क्वार्टर, अब थोड़े स्टेबल हो गए ग्लोबल मार्केट कंडीशन की वजह से, और आगे एक दो क्वार्टर्स तक ऐसा चलने का अनुमान है। मार्जिन्स शायद मेंटेन होंगे क्योंकि कॉस्ट भी बढ़नी अब स्लो डाउन हो गई है। हमारा जो नील गोक, जो हमारा प्राइमरी रॉ मटेरियल है, उसका वो भी अब बढ़ना एक क्वार्टर से अब वो बंद हो गया है, और इलेक्ट्रोड प्राइस भी वहीं थम गए हैं। तो मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने की हमें पूरी उम्मीद है। और जो ये अभी जो हम जिस कैपेसिटी पे चल रहे हैं, अप्रैल में जून में हमने हाईएस्ट प्रोडक्शन करा है, हाईएस्ट सेल करी है, तो वो हो सकता है इस जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में थोड़े वॉल्यूम कम हो, हालांकि मार्जिन सिमिलर हो। तो और जिस बिजनेस में हम हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जिस तरह से डीकार्बोनाइजेशन के एफर्ट्स डेवलप वर्ल्ड में अब बढ़ते जा रहे हैं निरंतर, तो इसमें जो शिफ्ट है, अब जो रुझान है, जो शिफ्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, अब वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में आ रही है। अब जैसे अमेरिका ऑलरेडी 70% स्टील जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनाता है, वहां पे ऑलरेडी 20 मिलियन टन की कैपेसिटी अनाउंस्ड है, कुछ प्लांट्स बन भी रहे हैं, और इस साल के एंड से कुछ प्लांट कमीशन भी हो जाएंगे। इसके अलावा यूरोप बहुत तेजी से काम कर रहा है डीकार्बोनाइजेशन में। मैं अब आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्लास्ट फर्नेस से जो स्टील बनता है, उसमें 4 गुना ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं, और स्टील इंडस्ट्री जो है वो 8% इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती है। तो जैसे जैसे डीकार्बोनाइजेशन में और प्रेशर आएगा, तो ये तो होना जरूरी है। और हम जैसे आज हम 80,000 टन का प्लांट है, हम और एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और इसकी डिमांड डेफिनेटली, अभी तो ग्लोबल कंडीशंस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बहुत बढ़ गए हैं यूरोप में खासकर, तो स्टील प्रोडक्शन थोड़ा गिर रहा है, और हमारा कंज्यूमेबल है तो ऑब्वियसली उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। बट ये बहुत शॉर्ट टर्म है, इट्स मे लास्ट फॉर 1 quarter, 2 quarter, 3 quarter, दैट्स इट। क्योंकि द मोमेंट इसमें स्टील प्रोडक्शन बढ़ता है, इसकी डिमांड वापस लौट आएगी। ठीक है सर, अब यूरोप की ऑलरेडी आपने बात की, मैं थोड़ा सा इनडेप्थ वहाँ पर बातचीत करना चाहता था, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, डिमांड सिनेरियो जो है उस वजह से भी बाकी सारी सिचुएशन है, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की ओर आगे बढ़ता हुआ आप कैसे देख रहे हैं, और प्राइसिंग का क्या सिनेरियो रह रहा है सर, ये जो डिमांड सिनेरियो है उसको देखते हुए मनीष जी? देखिए, जो मैं बोल रहा था कि प्राइसिंग जो अभी पिछले 5 quarter से निरंतर बढ़ रही थी, 6 quarter से, और अब वो थम गई है। इसी तरह से हमारे रॉ मटेरियल भी बढ़ रहे थे, वो भी थम गए हैं, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि आने वाले टाइम में 1-2 quarters में प्राइसिंग सेम रहने का अनुमान है। बट चूंकि कॉस्ट प्रेशर भी ईज होंगे, तो हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, अब इसके अलावा अब एक्सपोर्ट मार्केट की बात हो ही रही है, ऑब्वियसली फ्रेट रेट्स वगैरह जो है वो अब काफ़ी कम होने लगे हैं, क्रूड प्राइसेस भी कम होने लगे हैं, सो ऑब्वियसली जो कॉस्ट एक्स्ट्रा हो रही थी हमारी, वो थोड़ा सा कुशन वहाँ पर मिल जाएगा, सो ये मार्जिन्स को थोड़ा सा एक कुशन ये भी मिलेगा कि खर्च कम हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि क्रूड प्राइसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं और ग्लोबल फ्रेट रेट्स में भी काफ़ी कमी हुई है, काफ़ी कटौती हुई है। जी बिल्कुल, अभी भी जो अमेरिका के यूरोप के फ्रेट्स हैं, अभी भी वो अपने नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा हैं, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि जो वर्स्ट है वो शायद ओवर है। जो वर्स्ट कॉस्ट प्रेशर जो हमने देखे हैं, जो पीक देखी है हमने ओवरसीज फ्रेट्स वगैरह की, उस पीक से डेफिनेटली नीचे आए हैं, बट अभी भी कुछ सेक्टर्स में अभी भी वो अपने नॉर्मल स्तर से काफी ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली ये ईज हो रहे हैं ये ओवरसीज फ्रेट का पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है।
क्रूड डेफिनेटली गिर रहा है, फ्यूल ऑयल वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो आई होप कि हम ये सब के मद्देनजर हम अपनी मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, अगेन आपने मार्जिन्स की बात की, मैं वहीं पर आना जा रहा था कि जिस तरह से एक इम्प्रूवमेंट हमें डेफिनेटली देखने मिला है, अगर ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं मार्जिन्स की, बाकी सारी बातें हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में ये भी था कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी था, सो उसका भी थोड़ा सा फैक्टर इन यहाँ पर करना होगा। सो हम कैसे और मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाइए सर। यही मैं मतलब जो अभी मैंने यही बोला जी कि आने वाले जी ये क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर में या अक्टूबर दिसंबर में, मेरे को लगता है कि हम मार्जिन तो सिमिलर होंगे, सिमिलर रह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम पे प्रेशर है। वॉल्यूम पे प्रेशर इसलिए है कि जितना यूरोप में में काफी हमारे जो कस्टमर्स हैं सबने अपनी, चूंकि उनकी खुद की रिक्वायरमेंट गिरी है क्योंकि स्टील प्रोडक्शन गिरा है, तो उनके ऑर्डर्स जो हमारी बुक में थे उसमें सब में हमने पुशबैक रिसीव किया। पुशबैक माने जो आज जाना था वो 2 महीने 3 महीने, वो पोस्टपोनमेंट हमें मिल रही है बार बार निरंतर कस्टमर से टू पुश बैक आवर ऑर्डर्स। तो उसका वॉल्यूम पे इम्पैक्ट देखेगा जुलाई अगस्त सितंबर में और थोड़ा शायद अक्टूबर नवंबर के सामने। अच्छा सर, इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर भी बहुत सारे जो है वो काम किए गए हैं, तो इसका थोड़ा सा अपडेट दीजिए सर, कब तक कहाँ तक कुछ काम पहुँच पाया है और कितना कैपेक्स करना है, इसके लिए फंड वगैरह जो है उसकी भी बात कर लेते हैं सर। देखिए 1200 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करके इस प्लांट को एक्सपैंड कर रहे हैं, 1 लाख टन तक जाएगा और ये दुनिया का फिर सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा प्लांट ऑलरेडी बड़ा है, बट उसे अनडिस्प्यूटेबली लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बन जाएगा। और अभी हम इसमें 1200 करोड़ में से करीब 900 करोड़ हमारे खर्च हो चुके हैं, बाकी 300 करोड़ हमारे करीब मार्च तक इसमें और लगेंगे। एक्सपेंशन फुल स्विंग में चल रहा है, दिसंबर एंड तक हमें इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कंप्लीट करने की उम्मीद है, और इसमें से कुछ प्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन वी विल स्टार्ट गेटिंग एडिशनल प्रोडक्शन फ्रॉम जैन टू मार्च क्वार्टर। ठीक है सर, इसके अलावा हमने थोड़ा सा एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी देखा था मई 2022 में, तो इससे जो इंडियन एक्सपोर्ट सिचुएशन है पर्टिकुलरली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के डिमांड का, उस पर कोई असर आता हुआ आपने देखा है या नहीं? बिकॉज बाहर ऑब्वियसली डिमांड तो बहुत जोरदार है, ये ड्यूटीज वगैरह से कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया था? आप मेरे ख्याल से स्टील प्रोडक्ट्स पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है उसका जिक्र कर रहे हैं, जो 15% ड्यूटी लगी है। जी सर, जी सर, स्टील एक्सपोर्ट्स की। तो उसमें उसमें डेफिनेटली देखिए, इंडिया में अगर हम ये 100-110 मिलियन बना रहे थे तो करीब 13-14 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो रहा था, तो उसमें डेफिनेटली सरकार ने इंडिया में स्टील प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और ओवरहीट ना हो करके उन्होंने ये ड्यूटी लगाई मेरे ख्याल से, और उससे डेफिनेटली स्टील प्राइसेस डाउन आए हैं क्योंकि स्टील प्राइसेस एक फिनोमिनल लेवल पे पहुंच गए थे एंड दे हैव स्टार्टेड एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट। सो द स्टील प्राइस कूल ऑफ हुए हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, बट अभी भी एज वी स्पीक इंडिया में सब स्टील कंपनीज जो हैं वो अपने हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रही हैं, तो इसका हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे सच फर्क नहीं पड़ा है इंडिया में। ठीक है जरूर, इसके अलावा जो हमारे नीडल कोक की बात है उसमें कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि Q1 से Q4 दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे क्या आउटलुक दिख रहा है फिलहाल अभी? के प्राइसेस अब स्टेबल है, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली ये सब पब्लिक डोमेन में कहीं ना कहीं से पता लग जाता है, बट अब स्टेबल हो गए, जो निरंतर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहे थे, एट प्रेजेंट जो हमारा बाइंग प्राइस है वो पिछले क्वार्टर के बनिस्पत वो एकदम ऑलमोस्ट सेम है, आप ऑलमोस्ट सेम ही मान लें, तो वो भी स्टेबल हो गए, उसमें भी बढ़त अब होनी कम हो गई है, क्योंकि नेचुरली देखिए इवेंचुअली हर इंडस्ट्री इकोनॉमी के हिसाब से चलती है, तो स्टील इंडस्ट्री तो पर्टिकुलरली ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत वेल लिंक्ड है, तो जब सब यही वॉच करते हैं कि जो एंड कंज्यूमर है, आई मीन द एंड इंडस्ट्री है, एंड यूजर इंडस्ट्री है, इफ दैट इज नॉट डूइंग गुड या उसका प्रोडक्शन गिर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड का भी, हमारी भी सेल गिर रही है, तो ये नीडल को सप्लायर भी जो है ये इस चीज को वॉच करते हैं कि स्टील का क्या आउटलुक है और अकॉर्डिंगली वो अपने प्राइसिंग और सब डिसाइड करते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा कोई नए प्रोडक्ट्स वगैरह हमारा R&D डिपार्टमेंट कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आ रहा हो, कुछ आप जानकारी देना चाहें मनीष जी अभी फिलहाल यहाँ पर? नहीं, इसमें अभी ऐसे कोई नए प्रोडक्ट तो इनफैक्ट हमारा जो R&D सेंटर है वो
पूरे प्लांट को पूरा सपोर्ट करता है टू कीप आवर टेक्नोलॉजी एट द एज, और आज उसी की वजह से हम दुनिया में बेस्ट से बेस्ट कंपनी से कंपीट कर पाते हैं क्वालिटेटिव टर्म्स में। ऐसा नहीं है कि हम कोई माल उनसे सस्ता बेचते हैं, विच वी आर एज गुड एज एनी ग्लोबल सप्लायर। तो अभी ऐसा कोई नया प्रोडक्ट हमने बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट कॉन्स्टेंट इनोवेशन हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में करते रहते हैं। डेफिनेटली सर, तो इन सारी बातों को